नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन की दो डोज के अलावा बूस्टर डोज को काफी असरदार माना जा रहा है। मंगलवार को आई स्टडी में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर असरदार पाया गया था। अब एस्ट्राजेनेका बूस्टर डोज पर भी अच्छी खबर आई है। गुरुवार को आई एक नई स्टडी में पाया गया है कि एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज वैक्स ज़ेवेरिया ओमिक्रॉन के खिलाफ बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाती है। डेटा की खास बातें। ट्रायल के शुरुआती डेटा से पता चला कि कोविड 19 की तीसरी डोज वैक्स ज़ेवेरिया ओमिक्रॉन वेरियंट के साथ साथ बीटा, डेल्टा, अल्फा और गामा सहित अन्य वेरियंट्स खिलाफ बहुत अच्छी एंटीबॉडी बनाती है। इसे बूस्टर डोज के तौर पर दिया जाना है। दवा निर्माता ने कहा कि वैक्स ज़ेवेरिया या फिर mRNA वैक्सीन लगवाने वालों में इसकी बढ़ी हुई प्रतिक्रिया देखी गई है। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया में बूस्टर की जरूरत को देखते हुए वो जल्द ही इस डेटा को रेगुलेटर्स को सौंपेंगे। पिछले महीने एक लैब स्टडी में पाया गया था कि वैक्स ज़ेवेरिया का 3 कोर्स डोज तेजी से फैल रहे नए वेरिएंट पर काफी असरदार है। कंपनी द्वारा ट्रायल के बाद बूस्टर डोज पर जारी किया गया ये पहला डेटा है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बनाई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।